इसकी जितनी समस्याएं हैं मेरे ख्याल से हरियाणा में किसी भी कॉलोनी में इतनी समस्याएं नहीं होंगी। सरकार तो घोषणा तो करेगी, ये तो चुनावी घोषणा होती है क्योंकि अब नजदीक चुनाव आ गए हैं, विधानसभा का चुनाव भी, लोकसभा का, पहले तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसके बाद साथ साथ विधानसभा का चुनाव। अब सरकार को दिखाई देता है भाई एक साल का टाइम बचा है, एक साल के टाइम के अंदर अगर लोगों को लुभावने सपने नहीं दिखाएंगे तो फिर हम आके वोट कैसे मांगेंगे। लोगों ने फिर क्या किया, जब गलियों के अंदर जब सीवर लाइन डली खुदाई हुई तो लोगों ने उसमें पैसे वैसे इकट्ठा करके और उसमें क्या नाम है गलियां भी बनवाई। और न्यू पाड़ा बिहार लगभग 35 से 40 साल पुरानी कॉलोनी है, ये 84-85 में करनी शुरू हो गई थी और आज तक इसको ऑथराइज नहीं किया गया, कुछ पार्टों में अब भी थोड़ी थोड़ी ऑथराइज हुई है। इसकी जितनी समस्याएं हैं मेरे ख्याल से हरियाणा में किसी भी कॉलोनी में इतनी समस्याएं नहीं होंगी। सबसे ज्यादा तो इसमें तोड़फोड़ की समस्याएं हैं, इसमें पानी की लाइन की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, लेकिन ये कुछ राजनीति कारणों से भी इसको पिछड़ना पड़ा। पीछे हमारे जो विधायक बने थे लोगों ने ये समझ के उसको वोट भी दिया था, अब हमारे क्षेत्र का विधायक है, हमारे नजदीक का विधायक है जिसको हम वोट देंगे और वोट देने के अगले ही दिन महीने साल के अंदर इसको ऑथराइज करा देंगे। लेकिन उसकी 5 साल का कार्यकाल, 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, छुटमुट एकाध कॉलोनी का जो ऑथराइजेशन होया है। अभी न्यू पाड़ा बिहार फेज 1 है, फेज 2 है, जो सबसे बड़ा एरिया इस न्यू पाड़ा बिहार का है वो अभी तक कुछ न्याल कॉलोनियां भी हैं इसके अंदर, आज तक वो ऑथराइज नहीं हो पाया है। तो इसलिए जो लोगों ने अपने जो विधायक से जो उम्मीद की थी, नगर निगम तो बोलता है भाई ऑथराइज जब तक नहीं होगी जब तक हम कोई काम नहीं करा सकते, लेकिन वो सिर्फ टैक्स उगाने के लिए यहाँ भेज देते हैं भाई हाउस टैक्स आपके ऊपर लगा दिया गया, आप हाउस टैक्स जमा कराओ। और लोग इतने अच्छे हैं कि लोग हाउस टैक्स भी जमा कराते हैं। तो बाकी सीवर और जो गरीब पानी ये सब का खुद अपने पैसे से लोग कर रहे हैं और आपका आपके तरफ से भी है कुछ? नहीं, जो न्यू पाड़ा बिहार के अंदर जो अनऑथराइज होने की वजह से जिसमें 2 सीवर लाइन तो मैंने डलवाई थी, जो मेन सीवर लाइन है जो शंकर विहार से शुरू होती थी बसगेड़ा नाला तक है, जो यादव मार्केट से शुरू होती है बसगेड़ा नाला तक है, ये लगभग लग दोनों सीवर लाइन मिला के 5 किलोमीटर की लाइन है, ये मेन सीवर लाइन थी। हमने सिर्फ ये सोच के ये सीवर लाइन डलवाई थी कि भाई जब तक मेन लाइन इसमें नहीं डलेगी जब तक इसके अंदर सीवर नहीं आ सकते। और सीवर न आने का कारण ये था कि भाई मेन लाइन अगर डलवाने के कोई लोगों से कलेक्शन करने के लिए पैसे अगर इकट्ठा करना शुरू करता तो कोई पैसे नहीं देता, इसलिए मैंने कहा भाई ये जो काम है ये मैं अपनी जेब से मैं खुद करा देता हूँ, उसके बाद जो गलियों के अंदर जो सीवर लाइन जो डालनी है आप लोग मिलजुल के ना वो मेरा जो सीवर लाइन की जो मैं मेन लाइन डालूंगा इसके अंदर आप कनेक्शन कर लेना, जिससे कि कॉलोनी को कम से कम जब तक ये कॉलोनी ऑथराइज नहीं हो जाती जब तक इसको राहत मिल जाएगी आप लोगों। इसी तरह से लोगों ने फिर क्या किया, जब गलियों के अंदर जब सीवर लाइन डली खुदाई हुई तो लोगों ने उसमें पैसे वैसे इकट्ठा करके और उसमें क्या नाम है गलियां भी बनवाई और कुछ लोगों ने पानी की लाइन भी डलवाई है, लेकिन वो सब अपने कलेक्शन से है, कुछ हमारा सहयोग है। अब बहुत सारी गलियां हैं जिसके अंदर हमने अपनी खुद जेब से जो पानी की लाइन डाली है कुछ लोगों के सहयोग से भी थी। आपने अपने स्तर से क्या प्रयास किया कॉलोनी को रेगुलराइज करने का? हमने तो बहुत सारा प्रयास किया इसके लिए अब भाई ये कॉलोनी ऑथराइज हो जाए। बहुत बार हम कमिश्नर से मिले, क्या नाम है मंत्री से मिले, सरकारी अधिकारियों से मिले, बहुत सारे बार प्रयास किया, लेकिन जो प्रयास जितने बार भी किया उसमें ज्यादा का सफलता नहीं मिल पाई। अब क्या उम्मीद लग रही है? सरकार तो घोषणाएं कर रही है कि कर देंगे वो कर देंगे, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? नहीं, सरकार तो घोषणा तो करेगी, ये तो चुनावी घोषणा होती है क्योंकि अब नजदीक चुनाव आ गए हैं, विधानसभा का चुनाव भी, लोकसभा का, पहले तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसके बाद साथ साथ विधानसभा का चुनाव है। अब सरकार को दिखाई देता है भाई एक साल का टाइम बचा है, एक साल के टाइम के अंदर अगर लोगों को लुभावने सपने नहीं दिखाएंगे तो फिर हम आके वोट कैसे मांगने जाएंगे। तो इसलिए जो अभी जो कॉलोनी के अंदर जो छोटे छोटे 2 टुकड़े पास किए हैं, जैसे साहिबगंज के अंदर कुछ ऑथराइजेशन बोला है भाई वहां हुआ है, कुछ प्रकाश ब्रिज जोन पर कुछ ऑथराइजेशन की बात हुई है, ये सब अब चुनाव का जब समय आया है तो ये सोच रहे हैं भाई हम कुछ ना कुछ तो जाकर लोगों के बीच में ये कह सकते हैं भाई हमने तो कॉलोनी पास कराने का काम किया, हमने कॉलोनी पास करा दी। लेकिन लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप 5 साल के अंदर कॉलोनी पास कराओगे, लोगों ने तो ये उम्मीद की थी कि हमारे बीच का विधायक जब बनकर जाएगा तो अगले जैसे बनकर जाएगा उसके 1 साल के अंदर अंदर इसको पास करा देगा और अगले आने वाले जो 4-5 साल जो बचेंगे उसके अंदर इसका विकास करा देगा, लेकिन उस किसी भी बात के ऊपर खड़े नहीं। देखो बीच बीच में खबरें आती रहती है भैया अक्टूबर में शुरू होगा या नवम्बर में शुरू होगा,
लेकिन अब इसमें कुछ काम दिल्ली के हिस्से में जो बचा है, हरियाणा का हिस्सा में लगभग लगभग मेरे ख्याल काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो दिल्ली के हिस्से में जब तक काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक मेरे ख्याल से द्वारका एक्सप्रेस अब चलेगा नहीं। द्वारका एक्सप्रेस न्यू पलाम विहार के लिए नहीं, ये पूरे गुड़गांव के लिए लाइफ लाइन है। अगर इसके ऊपर बहुत सारे लोग आना आवा जाए, इसके ऊपर शुरू हो जाएगी, जो पीछे से जो मानेसर का जितना भी फ्लो है, जो उसमें जो काम करने वाले हैं, वो दिल्ली में जाने वाले हैं, ये सब द्वारका एक्सप्रेस वो पकड़ेंगे। जो अपना ही बीच में एक बसता है, जो खांडसा के अंदर जो उद्योग विहार जो बना हुआ है, उस एरिया के भी लोग इसी को पकड़ेंगे, जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं। तो जो हाईवे जो मेन NH 8 जो है उसका डाइवर्ट हो जाएगा दोनों, इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी उसे बनने के बाद।